नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। सतवास कन्नौज अनुभाग के सभी पांचों थानों का थाना कन्नौज में और बागली अनुभाग के सभी चारों थानों का थाना बागली में डॉक्टरों के प्रशिक्षित टीम द्वारा सीपीआर के विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन आज किया गया, जिसमें सीपीआर या कृत्रिम श्वास की जानकारी देते हुए विशेषज्ञों ने बताया कि सीपीआर या कृत्रिम श्वास को सीधे शब्दों में कहे तो कई बार व्यक्ति की अचानक सांस रुक जाती या फिर कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में सांस नहीं आती है, तो इस अवस्था में सीपीआर दिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों की जान बचाई जा सकती है। एक तरह से सीपीआर में बेहोश व्यक्ति को सांसें दी जाती है, जिससे फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलती है। साथ ही इससे शरीर में पहले से मौजूद ऑक्सीजन वाला खून संचारित होता रहता है। इस दौरान बताया गया कि सीपीआर कोई दवा या इंजेक्शन नहीं है, यह एक तरह की प्रक्रिया है जिसे मरीज के शरीर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति की सांस रुक जाने पर सांस वापस लाने तक या दिल की धड़कन सामान्य हो जाने तक छाती को दबाया जाता है, जिससे शरीर में पहले से मौजूद खून संचारित होने लगता है। साथ ही इस प्रक्रिया में मरीज के मुंह में मुंह से सांस भी दी जाती है। वहीं इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा, थाना प्रभारीगण क्रमशः विक्रांत झंझोट, अमित जादून, राजाराम वास्कले, राहुल रावत, अरविंद भदौरिया, दीपक यादव, सज्जन मुकाती, बरकड़े और बीरा जी और कन्नौद व बागली अनुभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी व जेल वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी व ग्राम नगर सुरक्षा समिति के सदस्य व प्रबुद्ध नागरिक गण और पत्रकार गण उपस्थित रहे और सभी ने इस तकनीक को प्रैक्टिकल रूप में भी संपादित किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जागरूकता फैलाकर सीपीआर तकनीक से लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। आज ग्रामीण थाना क्षेत्रों में बागली अनुभाग के सभी थाना का थाना बागली में और कन्नौद अनुभाग के सभी थानों का थाना कन्नौद में हमने एक सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा था, जिसमें विशेष प्रशिक्षित डॉक्टरों की टीम ने आकर हमारे सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी है कि कैसे किसी एक बेहोश व्यक्ति को या जिसकी सांस ना चल रही हो उसको कैसे प्राथमिक चिकित्सा हम सीपीआर के माध्यम से दें, उसके बारे में सभी को बताया गया। जान है तो जहान है, इस तकनीक को ध्यान में रखते हुए हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों ने इस ट्रेनिंग में बखूबी हिस्सा लिया और सभी ने प्रैक्टिकल करके भी इसको देखा और आगे भी हम इसकी जागरूकता फैलाते जाएंगे। और वर्तमान दौर में हार्ट अटैक की जो समस्याएं बढ़ी है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर इस प्रशिक्षण को शामिल कर इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनको देकर और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने का प्रयास करने का, यही हमारे दिवास पुलिस की एक सोच है जिसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। होना चाहिए कुछ दम, बिल्कुल ही चला ही गया है, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ब्लीड और तेज होने लगी, उसमें प्रेशर नहीं है सर, आपको उसको सेफ रखना है। गर्दन टूटी हुई है तो गर्दन संभालनी पड़ेगी, अपने यहाँ पर अलग तरीका, प्लीज उठ जाइए आप। सॉरी, बहुत विदेशों में आपने कभी देखा है कि वीडियोस में अपन देखते हैं कोई भी गिरता है ना, तो सबसे पहले उसका नेक स्टेबलाइज करते हैं। अपने यहाँ पर ऐसा चलन नहीं, अपने यहाँ पर तो एक ने यहाँ से खींचा, एक ने उधर से तोका, एक ने उधर से कलकाया, ऐसे चलता है। वहां पर सबसे पहले नेक को स्टेबलाइज किया जाता है एक बैंड से और फिर मरीज को शिफ्ट किया जाता है। अपने यहाँ पर अभी ये चलन नहीं है, तो कमर का भाग नीचे आ जाता तो लटके ही रहते हैं, कैसे भी आड़े पैर लेके आ जाते हैं, एक को इधर से पकड़ रखा है, एक को उधर से, सब तरीके हैं। अवेलेबल सुविधाओं को अपन कैसे बेस्ट यूज करते हैं, इसी के बारे में अपन बात करते हैं। कौन करके बताएगा, तो मेरा लेक्चर खत्म हो जाए फटाफट। प्लीज कोई दो लोग वॉलंटियर कर लीजिए, अपन एक दूसरे की मदद कर देंगे। आइए फटाफट आइए, अपन फिर बात कर लिए। कॉल फॉर हेल्प 108 को सचमुच गिर जाइए कभी आप गिर ही जाओ आप तो कौन मदद वाले को ढूंढने दो, पहले मदद वाले को ढूंढने दो, मदद कौन करेगा प्लीज, कोई जना वॉलंटियर करो फटाफट। अब ये खड़े होकर गिरो जरा, और आप सब सब जो हमने सिखाया है पूरा वापस करके बताइए प्लीज। मैं उधर सामने जा रही हूँ, पॉइंट गिर गए, चेस्ट राइज भी देखिए, गला सीधा करना पड़ेगा, पांच सेकंड से ज्यादा नहीं होंगे। आवाज तो दीजिए किसी को, बोलिए आपको इनका नाम पता है तो नाम से बुलाइए, जोर से वेरी गुड। हाँ, महेंद्र ने नहीं रिस्पॉन्ड किया, आपने आवाज लगाई मेरे को, मैं आगे बताइए क्या करें, बताइए क्या करें,
बताइए क्या करें। आपने एम्बुलेंस के लिए बुलाया, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, 108 को कॉल करो। और कोई मदद कर सकते हो आपकी? मैं आपकी मदद करूँ, ठीक है? मैंने 108 को फोन कर लिया, आपका हाथ गलत है, सीधा रखिए। ठीक है, अब लॉक कर लीजिए, हाथ को ऐसे आप इसमें लॉक करिए, अब धक्का दीजिए, धीरे धीरे कर रहे हो, तेज तेज करना है। तीनों 108 सतवाह से खबर समय जगत के लिए संवाददाता रविंद्र परमार की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।